तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रीड ऐप में अपना अकाउंट कैसे बनाएं, थ्रीड ऐप में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थ्रीड ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थ्रीड ऐप को ओपन कर लेता हूँ। एंड अभी तक आपने थ्रीड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम दिखाई देगा। यदि आपका इंस्टाग्राम पे 4-5 अकाउंट है तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विच अकाउंट का। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद अब आप थ्रीड ऐप में जिस भी अकाउंट से लॉग इन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा, आपको वेट करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू का। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपने इस अकाउंट को प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर पब्लिक रखना चाहते हैं। तो यदि आप पब्लिक रखना चाहते हैं तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है। यदि प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पब्लिक रखना चाहता हूँ तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जिसको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, क्या आप उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। यदि फॉलो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फॉलो ऑल पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन थ्रीड्स का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग रहेगा, आपको यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अकाउंट थ्रीड ऐप में बन चुका है। तो इस प्रकार से आप थ्रीड ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।